बादशाह सलामत का मूड आज बहुत अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका दसवां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे दो अहकाम लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकाम पर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अहकाम पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया कि मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने इसी शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और जहीन लोग जमा किए और इनके सामने ये सवालात रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले ही सवाल पर कोई खातिर खास जवाब न दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोगों की तादाद बढ़ाता रहा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, लेकिन कहीं से जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गाँव गाँव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते टूटे और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। ख्वातीन हज़रात, अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कुटिया में पहुंच गया, जहां एक फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता ये दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे अली आप सही जगह पहुंचे हैं, आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बिस्तर उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा कि बिस्तर के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वजरा को अनायत करता था। फकीर ने कहा कि जनाबे अली मैं भी इसी सल्तनत का वजीर होता था, मैंने भी एक बार बादशाह से आपकी तरह शर्त लगाने की गलती कर ली थी, नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने जवाब दिया, मेरा केस आपसे बहुत मुख्तलिफ था, मैंने जवाब ढूंढकर बादशाह को बता दिए थे, मुझे आधी सल्तनत मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया, और आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमैन जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, ये सुनकर वजीर की हैरत और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वजीर की हमाकत के तजिए का वक्त नहीं था, बल्कि जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर ने फरियादी बनकर फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं? फकीर ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर जवाब दिया कि मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन न था। फकीर बोला कि पहले सवाल का जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। दूसरे सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है।
हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। नाज़रीन गिरामी, फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर बहुत खुश था और इसने तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहकहा लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा कि मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया और इसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर भी कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये दूध पी लो, तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर इसी शशोपंज में फंस गया कि एक तरफ जिंदगी और आदि सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहकहा लगाया और बोला कि मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है, ये इसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा मैं इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन तीन हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी और खुदतरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था, इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसके सीने पर खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और इसकी रूह इस दारे फानी से परवाज कर गई। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो का मकसद आपको जिंदगी की अहम सच्चाई याद दिलाना थी जो हम भूल चुके हैं। आज हम अपने नफ्स की गुलामी में मौत को भूलकर वो काम कर रहे हैं जो हमारी इखलाकियात से मुताबकत नहीं रखते। हम अपनी इज्जत नफ्स की परवाह किए बगैर दौलत कमाने के पीछे पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत वक्त की जरूरत है, लेकिन इसमें जायज़ और नाजायज़ ज़राए का खसूसी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान दौलत की हवस में पड़ जाए तो कुत्ते का जूठा दूध भी पी जाता है। अगर हम जिंदगी की ये सच्चाई अपना लें तो मेरा यकीन है कि दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। बस इसी गुजारिश के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।